प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जीजा जी, पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाओ भाई सुनाओ, हम सब लोग तड़प रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए। हाँ तो सुनो, मैंने सुबह तय किया था कि मैं सोसाइटी को 1,00,000 रुपए का चेक दूंगा। अरे भैया सुन चुके भाई, आगे बोल। लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं सोसाइटी को 1,00,000 रुपए के चेक की जगह 1,00,000 रुपए का ड्राफ्ट दे रहा हूँ। अभी आप इधर ही खड़े रहेंगे कि बैठ जाएंगे? एक मिनट, मैं वो ड्राफ्ट देखना चाहूंगा। वो ड्राफ्ट मैं आपको क्यों दिखाऊं? तो बिड़े, क्या उसमें हंसने वाली बात क्या है क्या? अरे भाई, गोकुल धाम सोसाइटी का एक माननीय सदस्य होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं वो ड्राफ्ट देखूं। हाँ भाई, ये बात तो सही है जेठालाल। वो ड्राफ्ट मैं सिर्फ सोसाइटी के सेक्रेटरी के हाथों में दूंगा। अगर वो आपको दिखाना चाहे तो आप देख सकते हो। तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो आकर ड्राफ्ट स्वीकार करे। अरे कहाँ से मिलेगा ड्राफ्ट? होगा तो मिलेगा ना। मैंने ड्राफ्ट है मेरे पास। मिलेगा वो क्या, कोर्ट में बहुत सारी जेबें होती है तो टाइम लगेगा। पीछे वाली जेब में देखो। कहाँ है सुंदर भाई? एक मिनट, ये रहा ड्राफ्ट। थैंक यू वेरी मच। पहले देख तो ले ना ड्राफ्ट है कि नहीं। थैंक यू क्या, खाली कवर ना हो भाई। उसमें क्या देखना है ना, ये क्या है तो सही। पूरा बाहर निकल कर देखो ना भाई। हाँ ये क्या? हाँ, गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ₹1,00,000। थैंक यू वेरी मच सुंदर भाई। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू कहिए रीटा रिपोर्टर को, क्योंकि उनकी वजह से ये ड्राफ्ट में मिला है कल तक चैनल की ओर से। थैंक यू वेरी मच रीटा। थैंक यू रीटा। उसमें क्या मुझे बोला होता तो मैं तूफान एक्सप्रेस से दिलवा देता। अब तो जीत गया लोग। जीजा जी, हाँ तो इस साल भी GPL में 2 टीम होगी और दोनों टीम के मालिक अलग अलग होंगे। दोनों टीमों के मालिकों का बंदोबस्त हो गया है और वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। क्या बात है। लो मालिक आ गए। आइए सर। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। प्लीज वेलकम सर। आइए।
हमारी एक टीम के मालिक सुजय धमालिया। क्या बात। हेलो एवरीबॉडी। तो दुबई के बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन है और दुबई में उनकी बहुत बड़ी छाते बनाने की फैक्ट्री है। पप्पू के काम आया। अरे वाह 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 वाह। सर आपके छाते के बिजनेस के ऊपर मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखूंगा और उसके बदले में आपसे सिर्फ एक छाता लूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में छाते से बढ़िया और उम्दा और कोई चीज नहीं है। और पोपट लाल बैठ जाओ या फिर मैं खड़ा हूँ। अरे पोपट बैठ जा, अगर हाथी भाई उड़ गए ना तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आपकी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मैंने बहुत सुना है और पिछले साल जब मैंने टीवी पर जीपीएल का मैच देखा तब से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं भी एक टीम खरीदूं। आज ये तमन्ना मेरी पूरी हो गई और इसका श्रेय जाता है सुंदरलाल को। दूसरे मालिक भी आ गए। आइए मैडम। ये तो मालिक ने मालकिन लग रही है। आइए आइए मैडम, प्लीज कम। सुंदर है। हाँ सुंदर भी है। भी सुंदर है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। आइए 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 बैठिए सुनिए। हेलो एवरीबॉडी। हाय हेलो। तो गोकुलधाम वासियों, ये है सोनिया जी, हमारी दूसरी टीम की मालकिन। और सोनिया जी, ये है मिस्टर धमालिया साहब, हमारी एक टीम के मालिक। नाइस मीटिंग यू सोनिया जी। थैंक यू, सेम हियर। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले साल की तरह ही इस साल भी एम्पायरिंग करेंगे बाबूजी। और इस साल मैं कमेंट्री नहीं दूंगा। चेयरमैन होने के बावजूद बतौर खिलाड़ी मैं टीम में हिस्सा लूंगा। और अब बात है कप्तानों की। तो पिछले साल की तरह माय डियर जीजा जी इस साल कप्तान नहीं रहेंगे। क्यों? बहुत अच्छा। हाँ भाई हाँ, ये एकदम बराबर बोला सुंदर भाई ने। अब क्या है कि भाई मैनेजर नए हैं और टीम भी नई होगी, तो फिर कैप्टन भी नए होने चाहिए ना, मतलब सबको मौका मिलना चाहिए। तो भाई जीपीएल के हित में दोनों टीम का कैप्टन मैं बनने के लिए एक टीम का कैप्टन मैं बन जाऊंगा और दूसरी टीम का मेहता साहब आप बन जाइए कैप्टन। ठीक है फिर, आप लोग कहते हैं तो मैं बन जाता हूँ कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि हर टाइम क्रिकेट टीम के कैप्टन मर्द लोग ही क्यों बने? अच्छा तुम्हें बनना है कैप्टन? नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग के कैप्टन महिलाएं भी तो बन सकती है, उनको भी तो चांस देना चाहिए, क्या कहते हो? एकदम बराबर है अंजलि भाभी। हाँ बराबर है भीड़ बैंड, आज की नारी सब पे भारी, इसलिए हम लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। यस यस अच्छी बात है। मैं भी बोल, एक मिनट मैं कुछ बोलूं। बबीता जी एक कैप्टन आप बन जाइए। मैं? यस यस बबीता। हाँ बबीता जी चांगली आइडिया है, बनू ना। बबीता यू डू इट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं नहीं बबीता जी मैं नो नहीं सुनूंगा, आपका कैप्टन बनना ही पड़ेगा। जी
जेठालाल वो हाँ ही बोल रही हैं। नहीं नहीं अभी बोले नो। बोलिए नो ऑब्जेक्शन, मतलब उनको कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं है। तो यस ऑब्जेक्शन बोलना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन क्यों बोले? अरे यार उनकी अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी सी। हाँ सुंदर तैयार है, बबीता जी तैयार है। ओके तो एक टीम की कप्तान बनेगी बबीता जी। Congratulations. और अब दूसरे टीम की कप्तान कौन बनेगी? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दया भाभी को, दया भाभी प्लीज आप कैप्टन बनिए ना। हाँ हो बेना, तू ही कप्तान बन जाओ, कोरोना मारफाड़ महिला क्रिकेट टीम की तू ही तो कप्तान थी। ठीक है बाबा, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ टप्पू, लास्ट टाइम पापा कैप्टन, इस बार मम्मी कैप्टन। क्या हुआ क्या? लगता है उनको पसंद नहीं है तो कैप्टन बने हो ना, बोल रहे शायद। तू मत बन ऐसा कुछ। मुझे खेलना आता है। ओके तो दोनों टीमों के मालिकों के साथ बात हो गई है, तो बबीता जी की टीम के मालिक बनेंगे धमाल यादव। और माय डियर बहना की टीम की मालकिन बनेगी सोनिया जी। तो अब दोनों टीमों के कप्तानों से मैं कहूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करें। आओ माय डियर बहना। तो इस बार हम जरा अलग तरह से टीम सिलेक्ट करेंगे। कैसे? ये मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर 22 नाम है। तो दोनों कप्तान बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे, जिस चिट में जिस खिलाड़ी का नाम निकलेगा वो उस कप्तान की टीम में जाएगा। ओके। तो सबसे पहले चिट उठाएगी माय डियर बेना। अरे बबीता जी आपका नाम है, आ जाइए मेरी टीम में। अरे मैं कैसे आ सकती हूँ? ऐसा नहीं होता है दया भाभी। अरे बेना वो चीट छोड़ दो, तुम नई चीट निकालो। सोनी बॉय। अब सिर्फ दो ही खिलाड़ी बचे, एक है माय डियर टप्पू और दूसरे है माय डियर जीजाजी। तो देखते हैं हमारी टीम में कौन आता है। ये दोनों खिलाड़ी में से कोई भी एक खिलाड़ी का नाम नहीं आएगा तो नुकसान तो मुझे ही होगा ना। चल अभी जो है चिट्ठी उठा उठा, चल चल। हाँ मम्मी निकालो चिट्ठी। हाँ बेटा क्या करूँ अब। टप्पू के पापा। आप मेरी टीम में नहीं है। टप्पू बेटा आजा। अरे एक मिनट, इसका मतलब मैं बबीता जी आपकी टीम में आ गया। अरे अरे आपका भैया। वेलकम वेलकम। सॉरी दया हो अभी। ओके ओके ओके। तो दोनों टीमें सिलेक्ट हो चुकी है। सुंदरलाल मैंने मेरी टीम का नाम सोच लिया है
और मेरी टीम का नाम है ब्लास्टर बबीता। और हमारी टीम का नाम है दया डांडिया डेविल। तो कल से दोनों टीम की मैच की प्रैक्टिस शुरू होगी और मैच होगा रविवार को। तो कैप्टन दया कैसा लग रहा है कैप्टन बनके? बुरा लग रहा है। क्यों? अरे पिछले साल मैं कैप्टन बना था, इस साल तू कैप्टन बनी है। अरे कैप्टन सिर्फ अपने घर में घूम रही है, यह सच कहता हूँ। अच्छा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए। देखिए मैं कैप्टन बनी हूँ उस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तो? मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इस बार भी आप मेरी टीम में नहीं है। अरे भैया भाई, बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अपनी डोबी नॉनसेंस दया की टीम में नहीं हूँ। हाँ। लेकिन तू भी कुछ नहीं कर सकती, जो नसीब में था वो हुआ। हाँ। मुझे बबीता जी की टीम में रहना पड़ेगा, और क्या। तुम एक काम करती हूँ, बबीता जी को उनके अय्यर भाई देकर आपको मांग लेती हूँ। अरे भैया ऐसा नहीं कर सकते भाई। हा? मैच का कुछ कायदा कानून होते हैं, हमको हो ही सब से चलना पड़ता है। हा? एक बार जो टीम बन गई तो बन गई, हमको उसी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको मेरी टीम में होना चाहिए? लगता है दया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं तेरे दल में भले ही नहीं हूँ, तेरे दिल में तो हूँ। लेकिन आप उस दल में, मैं इस दल में, इस दलदल में हम तो फंस गए ना। दया देख 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 दे, मेरे बात सुन, घर पे तो हम लोग एक साथ में ही है ना। हाँ हाँ, सिर्फ जीपीएल में हम दोनों आमने सामने, और वहाँ हम दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए। हाँ। कि हम दोनों एक दूसरे की टीम को कैसे हराए, और मुझे पूरा यकीन है दया कि तुम्हारी टीम को हमारी टीम क्यों हरा देगी। रियादो रियादो, आपकी बबीता जी की टीम को तो हम धूल चटा देंगे, और ये एक अहमदाबादी का चैलेंज है। अरे चल चल चल, आई बड़ी धूल चटाने वाली, मेरी बबीता जी की टीम तुम्हारी टीम का कच्चा चबा जाएगी, और ये बचाओ क्या भाईड़ा का चैलेंज है। राधे राधे, हमारी टीम ही जीतेगी। टीम जीतेगी हमारी, कुछ भी कहिए लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि जीतने वालों का चेहरे ही अलग होता है। हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। क्या हुआ, ऐसा पलंग पे क्यों खड़े हो? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे पलंग पे क्यों खड़े हो, क्या हुआ क्या? कुछ ना बापू जी, वो हम दोनों वो हमारी टीम की बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे कि चिल्ला रहे थे? बापूजी ये चिल्ला रहे थे और मैं बातें कर रही थी। टप्पू के पापा मुझे कह रहे थे कि दया तुम्हारी टीम हारेगी और हमारी टीम जीतेगी, और मैंने कहा कि नहीं टप्पू के पापा, मेरी टीम जीतेगी और आपकी टीम हारेगी। पापा हमारी टीम ही जीतेगी। हाँ, मेरे बेना ने बोल दिया ना कि हमारी टीम जीतेगी, तो बोल हमारी ही टीम जीतेगी। यस। हाँ। तो तुम्हारी बेना क्या अंतर्यामी है, ज्योतिष है, विधाता है, जो वो बोलेगी वही होगा, टीम हमारी जीतेगी। नहीं नहीं, देखिए मैं शक्ति का अवतार हूँ, हमारी टीम जीतेगी और आप मानेंगे। शक्ति का क्या बोल रही है तू? अरे अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। कौन सी टीम जीतेगी वो जब मैच होगा तब पता चल जाएगा। अभी सो जाओ, चलो चल टप्पू।
ए सीधी खड़ी रहे, झूलता मीनारा। क्या कर रही है, चल सो जा। ब्लास्टर बबीता और द डांडिया डेविल्स भिड़ने वाले हैं इस क्रिकेट के पिच पे और मुकाबला बड़ा कमाल का होगा। लेकिन ये जब भिड़ेंगे तब भिड़ेंगे, लेकिन इस बीच टकराहट शुरू हो चुकी है पति और पत्नी के बीच में। जेठालाल और दया भाभी बहस में मशगूल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे लगता है कि ये बहस गोकुलधाम सोसाइटी के हर पति पत्नी के बीच में होने वाली है, तनाव बढ़ने वाला। लेकिन आप लोग तनाव मत बढ़ाइएगा, आप लोग आपस में मत लड़िएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप तो बस मजा लीजिए। लेकिन इस वक्त स्थिति यहाँ की ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है। इट मे क्रॉस इवन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर अगर चला गया तो गर्मी कितनी बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ बहस का टेम्परेचर कितना ही चला जाए, हमारे पास ठंडक देने के लिए हास्य की फुहार हैं। हम इतना हंसाएंगे कि आपको गर्मी नहीं सताएगी और आप देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए कि जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तब क्या होगा। GPL 2। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।